एबीपी न्यूज प्रस्तुत करता है भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। आलमपना शहजादे दारा शुकोह आपके गुनाहगार ही नहीं वो काफिर भी। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है, अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है जो कि इस्लाम की तौहीन है। इन बातों से साबित होता है कि शहजादे बुतपरस्त भी हैं। और तो और दारा तो कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि दारा शुकोह को सजाए मौत देने में कोई हर्ज नहीं है। काफिर दारा शुकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित। हम शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम हो। इस काफिर का चेहरा तब भी नहीं देखा था जब ये जिंदा था। बदबख्त बदबख्त। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शुकोह का सर कटवाया, उसे धुलवाया और फिर कटे हुए सर को देखकर बोला बदबख्त यानी बदकिस्मत। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। हम उस घटना के तकरीबन 400 साल बाद यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए बदबख्त यानी बदकिस्मत कौन साबित हुआ। अगर दारा शुकोह बदबख्त बदकिस्मत साबित ना होता तो भारतवर्ष का इतिहास क्या कुछ और होता। भारतवर्ष में इस बार दारा शुकोह की कहानी। वो दारा शुकोह जिसे उसके पिता शाहजहां ने अगला बादशाह घोषित किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। वो दारा शिकोह जिसके एक हाथ में पवित्र कुरान थी, दूसरे हाथ में उपनिषद। वो मानता था कि हिंदू और इस्लाम धर्म की बुनियाद एक है। वो नमाज भी पढ़ता था और प्रभु नाम की अंगूठी भी पहनता था, मस्जिद भी जाता था और मंदिर में भी उसकी आस्था थी। लेकिन सत्ता की लड़ाई में वो काफिर धर्म को त्यागने वाला बताकर मार दिया गया। और तभी से यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता अगर औरंगजेब की जगह दारा शुकोह भारत का बादशाह बनता। 1628 से 1658 पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां का काल। यह वो काल था जब दिल्ली में लाल किला बना। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताज महल बनवाया। ये वो दौर था जब शाहजहां ने अकबर की धार्मिक उदारता और मजहबों के बीच बराबरी की नीति को बदलना शुरू किया। लेकिन उसी दरबार और महल में बैठकर शाहजहां का बेटा भारत के लिए बिल्कुल अलग किस्म की राजनीति की बात कर रहा था। वो शहजादा था सुल्तान मोहम्मद दारा शुकोह। शुकोह का मतलब होता है शानो शौकत, जबकि आमतौर पर दारा का नाम शिकोह समझा जाता है जिसका मतलब होता है आतंक जुल्म। दारा शुकोह का जन्म 20 मार्च 1615 को हुआ। उसके दूसरे छोटे भाई शुजा, औरंगजेब और मुराद की तरह दारा शुकोह की परवरिश भी मुगलिया तौर तरीके से हुई। लेकिन दारा शुकोह का मिजाज अलग था। अपने नाम के ही अनुरूप दारा शुकोह बड़ी सोच वाला शहजादा था। परंपराओं के मुताबिक मुगल शहजादों को बचपन से ही शिकार, तलवारबाजी, घुड़सवारी, पहलवानी से लेकर हाथियों की लड़ाई तक का प्रशिक्षण दिया जाता था। दारा शुकोह ने भी ये सब कुछ देखा और सीखा, लेकिन उसका झुकाव पढ़ाई की तरफ ज्यादा था। आगे चलकर दारा शुकोह को पढ़ाई की ऐसी लत लगी कि कभी धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान में डूबा रहता
तो कभी जामी और रूमी जैसे महान सूफी संतों के शेर और रुबाइयों में खो जाता। वो पल मेरी हस्ती जब बन गया दरिया, चमक उठा हर जर्रा होके रोशन मेरा, बन के शमा जलता हूं रहे इश्क पर मैं, बस लम्हा एक बन गया सफरे उम्र मेरा। दारा शुकोह के इस रुझान की वजह से ही कई सवाल शाहजहां के समय से ही पूछे जा रहे हैं। दारा शाहजहां का सबसे बड़ा और चहेता बेटा था। उसने हमेशा यही चाहा कि दारा शुकोह मुगल सल्तनत का बादशाह बने, लेकिन क्या दारा शुकोह इस लायक था? इस सवाल पर आज भी बहस होती है। लोग कहते हैं कि दारा का मन तो धर्म और अध्यात्म में रमा रहता था। वो एक सन्यासी या फकीर तो बन सकता था, लेकिन बादशाह नहीं। इन सवालों से बेफिक्र दारा शुकोह अपने लिए और शायद भारतवर्ष के लिए एक नया रास्ता खोजने में लगा था। वो इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों और महान चिंतकों की किताबें पढ़ रहा था। उसने गीता और उपनिषद से लेकर सूफी संतों की रचनाओं का अध्ययन किया। दारा शुकोह प्राचीन दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु से भी प्रभावित था। दारा तुर्की, यूनान और मिस्र तक से किताबें मंगवाकर पढ़ता था। दारा शिकोह की तालीम का जो इंतज़ाम शाहजहां ने करवाया था, उसमें मीर मेदक, शेख मीर मेदक जो है वो उसके उस्ताद थे, जो कि सूफी थे और ये मियां मीर के शिष्यों में से थे। तो इस तरह से सूफीज्म की तालीम भी मिली। इसके साथ साथ बहुत से जोगियों के साथ रहा वो। ये सारे के सारे बहुत ही उदारवादी थे और इंसानियत के नज़दीक ऐसा नज़रिया रखते थे जो वेदांत की फिलॉसफी और इस्लामिक सूफीज्म दोनों से मिलकर तरतीब पाया था। दारा शुकोह पढ़ने लिखने में इतना रमा था कि वो कभी कभी पूरी रात किताबों के बीच गुजार देता। इसी हाल में उसका निकाह नादिरा बेगम से हुआ। शादी के एक साल बाद ही दारा एक बेटी का पिता बना, लेकिन वो जिंदा नहीं बची। कहते हैं इससे दारा को बड़ा आघात लगा। इस हादसे से उबरने के लिए दारा ने सूफी संत मियां मीर के संदेशों का सहारा लिया। मियां मीर कादरिया सिलसिले के सूफी संत थे। दारा शुकोह ने अपनी रचना सकीनतुल औलिया में मियां मीर से लाहौर में हुई मुलाकात की चर्चा की है। कहते हैं दारा शुकोह ने मियां मीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। मियां मीर दरअसल जो सूफियों के जो चार सिलसिले हिंदुस्तान में हैं, उनमें से एक सिलसिला है कादरिया। मियां मीर कादरिया सिलसिले के एक बुजुर्ग थे और इनका, जैसा कि सूफियों का होता है कि धर्मों की पाबंदियां, धर्मों की दीवारें जो हैं इनको जो है खड़ी करना वो पसंद नहीं करते, बल्कि इनके गिराने में ज़्यादा यकीन करते हैं। तो मियां मीर भी एक ऐसे ही बुजुर्ग थे और मियां मीर से दारा शिकोह इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी जो दूसरी किताब लिखी सकीनतुल औलिया, तो सकीनतुल औलिया में उन्होंने देखा जाए तो मियां मीर के बारे में ही ज़्यादा लिखा है। इन मुलाकातों ने दारा शुकोह के मन मस्तिष्क को हमेशा के लिए बदल दिया। लाहौर में ही आगे चलकर दारा शुकोह की मुलाकात एक हिंदू सन्यासी से हुई जिसका नाम था लाल बैरागी। ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। और ये मूर्ति पूजा का क्या उद्देश्य है? मूर्ति पूजा का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क को ध्यान में लगाना होता है, परंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो उसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फारसी ग्रंथों के अनुसार मनुष्य चार तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की रचना पांच तत्वों से हुई है। तो ये पांचवा तत्व क्या है? आकाश, जिसका नाम श्रवण शक्ति है, जिसके जरिए मनुष्य बुरे और भले का अनुभव करता है। कहा जाता है कि दारा के मन में इतने सवाल थे कि वो लगातार 9 दिन बाबा लाल बैरागी से सवाल पूछता रहा।
बाबा लाल बैरागी के लिए कहा जाता है कि वो एक कुछ बात के लोगों ने तो लिखा है कबीरपंथी थे, मगर शायद कबीरपंथी नहीं थे, वैष्णवाइट वो थे, प्रीचर थे, और शायद इनसे जो मुंशी थे शाहजहाँ के, उनसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उन्हीं ने मिलाया था दारा शिकोह से उनको। उन्हीं ने उनसे 60 सवाल किए और उन्हीं ने 60 के जवाब दिए, उसको फिर बालकृष्ण ब्रह्मणी ने ट्रांसलेट किया, वो नादिर नुकात के नाम से समझी जाती है। दारा एक के बाद एक धर्म चिंतन से जुड़े सवाल करता रहा, बाबा जवाब देते रहे। उसने बाबा लाल के विचारों को जाना, समझा और विश्लेषण किया। ये दारा शुकोह की दरअसल खुद की खोज थी, वो धर्म के सच्चे अर्थों को समझना चाहता था। यह सिलसिला उसने रोका नहीं। सूफी संत मियां मीर के देहांत के बाद वो 6 साल तक गुरु की तलाश करता रहा। इस खोज में उसकी भेंट मियां मीर के शिष्य मुल्ला शाह से हुई। बदख्शां के रहने वाले मुल्ला शाह भी बड़े सूफी संत माने जाते थे। कौन हो तुम? मैं एक फकीर हूं। फकीर का नाम होता है? आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। जान गया तुम्हें, आओ यहां बैठो। दारा का जवाब सुनकर मुल्ला शाह मुस्कुराए। उसके पीछे भी कुछ गंभीर अर्थ थे, माने थे। इस अर्थ को समझने के लिए दारा शुकोह की ही लिखी 4 पंक्तियों को समझना जरूरी है। दारा ने लिखा, हमने एक जर्रे को भी सूरज से अलग नहीं देखा। पानी का हर कण अपने आप में समंदर है। सत्य को चाहे जिस नाम से पुकारो, हर नाम खुदा के नामों में से एक है। इन पंक्तियों से दारा जो कहना चाह रहा था वो वेदांत या उपनिषद का ज्ञान है। एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है, जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है। दारा शुकोह से 1000 साल पहले इसी ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रहेव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं है, हर जीव ब्रह्म है। दारा ने सूफी संत मुल्ला शाह की प्रेरणा से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने का फैसला किया। कुछ ग्रंथों में यह चर्चा भी है कि इस अनुवाद के लिए दारा वाराणसी में रहा और 150 संस्कृत विद्वानों की मदद ली। उपनिषदों के इस अनुवाद को दारा ने सीरे अकबर का नाम दिया, जिसका मतलब है महान रहस्य। ये एक बहुत बड़ा कदम था। फारसी में अनुवाद के बाद ये ग्रंथ पश्चिमी देशों तक पहुंचे और भारतीय चिंतन परंपरा और विचार की गहराई को पूरी दुनिया ने जाना। उपनिषदों की का पूरा ट्रांसलेशन है, सबसे मशहूर उपनिषदों का 52 उपनिषदों का है, सर्रे अकबर के नाम से। और इसका फिर लैटिन में तर्जुमा हुआ 1800 में, वो फारसी से हुआ। और इस तरह से वो लैटिन ट्रांसलेशन पूरे यूरोप में घूमा, क्योंकि लातीनी ज़बान लैटिन ज़बान हर एक जानता था, और उससे जो यूरोपियन फिलॉसफी पे बहुत असर हुआ। दारा ने कुछ विद्वानों की सहायता से भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद किया, लेकिन दारा की जो रचना सबसे अद्भुत है वो है मज़्म उल बहरैन। दारा की ये किताब हिंदू और इस्लाम धर्म में समानता खोजने की पहली बड़ी कोशिश थी। मजमूल बहरैन का मतलब है महासागरों का मिलन, यानी हिंदू और इस्लाम धर्म नाम के दो
महान सागरों का एक होना। मजमाउल बहराइन पहला ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू और इस्लाम धर्म के बुनियादी दर्शनों को जोड़कर देखता है। दारा का मानना था कि इस्लाम का एक ईश्वरवाद वेदांत दर्शन के निकट है। दारा ने उपनिषदों के ज्ञान को गहराई से जाना समझा। दारा इस्लाम और सूफी दर्शन को उपनिषद से जोड़कर देखने लगा। वो समझ गया था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग मजहब जरूर हैं, लेकिन बुनियाद एक ही है। तुम ही रहते हो काबा और सोमनाथ के मंदिर में और प्रेमी के हृदय में। तुम गुलाब हो और प्रेमी बुलबुल हो। तुम अपने ही हुस्न के चिराग पर परवाना हो। वैदिक दर्शन में एक ईश्वरवाद की बड़ी अहमियत है और इसीलिए उर्दू और फारसी के बड़े राइटर्स, मतलब अमीर खुसरो से लेकर गालिब तक, ये सारे ही लोग जो हैं ये मानते रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक ईश्वरवाद का तसव्वुर मौजूद है। दारा शिकोह का ईमान था इस बात में कि हिंदू भी एक ईश्वरवाद को मानते हैं, उसके अनुयायी हैं, और मुसलमान भी। इसलिए जब एक ईश्वर ने पैदा किया है, दोनों एक ही ईश्वर को मानते हैं, तो फिर इनमें अलगाव नहीं होना चाहिए। दारा शिकोह के परदादा अकबर ने सुलह कुल का विचार दिया जिसमें सभी धर्मों के आदर की बात थी, लेकिन अकबर से कहीं आगे दारा की सोच थी। वो हिंदू और मुस्लिम धर्म की आध्यात्मिक एकता की बात करता था। वो कहता था कि दोनों धर्म की बुनियाद एक है। दारा अपने इस विचार से कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। उन कट्टरपंथियों में उसका अपना भाई औरंगजेब भी था। दारा के विचारों से अलग औरंगजेब की चिंता मुगल सल्तनत की बादशाहत थी। जब दारा और उसके भाई बालिग हुए तो शाहजहां ने रियासत के चार सूबों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। शुजा को बंगाल, औरंगजेब को दक्कन और मुराद को गुजरात की सूबेदारी सौंपी गई। शाहजहां दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था और यह बात जग जाहिर करने में उसने कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। शाहजहां ने दारा को पंजाब की बड़ी जागीर दे दी थी, लेकिन दिल्ली आगरा से उसे दूर जाने नहीं दिया। शाहजहां उसे अपने दरबार में ही रखता था और अपनी गद्दी के पास एक सोने की कुर्सी दारा शिकोह के लिए लगवा दी गई। 1654 में दारा को सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दे दी गई। इसी बीच सल्तनत के उत्तर पश्चिमी इलाके में तब के फारस और आज के ईरान की सेना ने कंधार पर कब्जा कर लिया। कब्जे को छुड़ाने के लिए पहले औरंगजेब ने दो बार कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहा। ऐसे में दारा शिकोह ने कंधार को वापस लेने के लिए सेना का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, जिसे शाहजहां ने मान लिया। ये फैसला बहुत हैरत में डालने वाला था, क्योंकि दारा शिकोह को सैनिक अभियान का कोई अनुभव नहीं था। उल्टे उसकी फौज में सिपाहियों के अलावा अनेक सन्यासी, फकीर और तांत्रिक भी थे, जिनके ऊटपटांग दावों को दारा शिकोह मान लेता था। मेरी दुआओं के असर से 3 घंटे के अंदर दुश्मन तोप से गोले बरसाना पड़ गया। फिर आपकी फौज कांधार पे हमला करके किले पर कब्जा कर गई। वो कैसे? मैं दुआ करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। मुझे खाने के लिए मुफ्त रसद दिया जाए और 20 रुपए रोज दिए जाए। दारा शिकोह के पास इससे पहले भी कंधार में कई फकीर जोगी आ चुके थे, लेकिन दारा शिकोह इस फकीर की बातों में आ गया। उसे कैंप के भीतर दुआ करने के लिए एक शांत जगह दी गई और कहा, मेरी दुआओं का असर कब से निकला? जैसे ही तांत्रिक ने यह बात कही, अगले दिन किले पर हमले की तैयारी शुरू हो गई। दोपहर को तांत्रिक आया और फिर गायब हो गया। दिन ढलने पर वो फिर आया। मिर्जा साहब सलाम। मैं किले के अंदर गया, मंगलवार को दोपहर के बाद सैनिकों को लेकर जाऊंगा और युद्ध कर। आक्रमण को फिर टाल दिया गया।
अगले सोमवार को उसने एक बत्ती जलाई और कुछ उड़द के दाने छोड़े। इसके बाद तांत्रिक जोर जोर से कूदने फांदने लगा। इसके बलि का दौर चला और कहा, हमला कल होगा। अगली रात दारा शुकोह का मुख्य तोपची मुसलमान तांत्रिक के कैंप में पहुंचा जब तांत्रिक सो रहा था। मिर्जा साहब, किले की हिफाजत 3 फरिश्ते कर रहे हैं और कल रात में मेरी उनसे जबरदस्त लड़ाई हुई और युद्ध के दरमियान मुझे कई बार आसमान में जाना पड़ा और नीचे आना पड़ा। 2 फरिश्तों को तो मैंने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन तीसरा बहुत शातिर और खतरनाक है। मैं तो ये कहूंगा कि सोमवार तक के लिए युद्ध टाल दिया जाए, उसके बाद फिर मैं उन्हें अपने कब्जे में कर लूंगा। तय समय पर दारा शुकोह का मुख्य तोपची मिर्जा जफर फिर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। मैंने तीसरे फरिश्ते पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन काबू नहीं कर सका। और उन दोनों फरिश्तों को अगर मैं आजाद नहीं किया तो वो मेरी जान ले लेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कांधार पर युद्ध न किया जाए। बहरहाल जब दारा के नेतृत्व में हमला हुआ तो मुगल सेना को खासा नुकसान उठाना पड़ा। ईरानियों की युद्ध नीति ज्यादा कारगर साबित हुई। कंधार में मुगलों को सफलता नहीं मिली। इसकी एक वजह निश्चित तौर पर दारा शुकोह खुद था। दारा शुकोह कोई युद्ध कौशल नहीं दिखा पाया, उल्टे कुछ मुंह लगे सरदारों को बढ़ावा देकर शाही सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को नाराज कर दिया। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचा तो दारा का स्वागत शाहजहां ने ऐसे किया जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली। शाहजहां के इस दारा प्रेम ने हालात को बहुत पेचीदा बना दिया था। यही हाल शाहजहां का भी था। हालांकि औरंगजेब ने हुकूमत चलाने और सैन्य अभियानों में खुद को साबित किया था, लेकिन दारा शुकोह औरंगजेब को धूर्त और मक्कार नमाजी कहता था। जबकि औरंगजेब दारा को मजहब को छोड़ने वाला कहता था। शाहजहां के रुख ने हालात और खराब कर दिए। धीरे धीरे मुगल ओहदेदार बंटने लगे। एक तरफ दारा शुकोह से शाहजहां को बेहद लगाव था तो दूसरी तरफ औरंगजेब को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पर औरंगजेब को शाहजहां झिड़क देता था। शाहजहां औरंगजेब को पसंद नहीं करता था। कंधार में असफलता के बाद सिंध और मुल्तान की सूबेदारी उससे छीनकर दक्कन भेज दिया था। उस पर उपजाऊ जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। एक बार तो बुरहानपुर में शाहजहां के पसंदीदा आम के पेड़ों का फल खाने के आरोप में औरंगजेब को फरमान भेजा गया। ये लिखते हैं कि तुमने मुझे जहानारा के बाग के आम नहीं भेजे, तो कह रहा है कि उसमें बाग आम हुए ही नहीं है, मैं कैसे भेज देता आपको। मैंने और सब जगह के भेजे, उनके बाग में आपके नहीं हुए हैं आम। तो हर जगह बाप बेटे की आपको शाहजहां को उन पर शक ही पर शक है, या तो कोई पैदा कर रहा है या अपने आप से। लेकिन हालात जल्द ही बदल गए। सोलह में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा। दरअसल शाहजहां की बीमारी की खबर जैसे ही फैली अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। कुछ हफ्तों की तीमारदारी से शाहजहां ठीक हुआ, लेकिन दारा के दूसरे भाई ये आरोप लगाने लगे कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है और दारा शिकोह उनकी बीमारी की बात कहकर वरगला रहा है। शाहजहां ने ठीक होने पर लाल किले के झरोखे से दर्शन भी दिया, लेकिन औरंगजेब और उसके दूसरे भाई की नजर गद्दी पर थी। शाहजहां बादशाह था, लेकिन उसकी बीमारी ने उसके चारों बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई को तेज कर दिया। दारा के तीनों भाइयों ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और पिता शाहजहां को देखने के बहाने अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। इसी बीच शाहजहां अपनी बीमारी से ठीक हुआ तो उसने आगरा जाने का फैसला किया, लेकिन आगरा जाने से पहले उसने एक बड़ी भूल कर दी।
उसने मुगल ओहदेदारों के सामने ये ऐलान कर दिया कि दारा शुकोह के साथ बादशाह की तरह व्यवहार करे। ये खबर मिलते ही शाहजहां के तीनों बेटों के बीच दिल्ली के तख्त के लिए होड़ शुरू हो गई। दक्षिण से औरंगजेब, गुजरात से मुराद और बंगाल से शुजा तीनों सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़े। भाइयों में औरंगजेब का पलड़ा भारी था, क्योंकि वो दक्षिण के सैन्य अभियान में अपनी एक मजबूत फौज तैयार कर चुका था। उत्तराधिकार की ये लड़ाई करीब 2 साल चली। इसमें धर्मठ और सामूगढ़ की जंग सबसे बड़ी थी। उज्जैन के पास धर्मठ की जंग में शाही सेना की हार हुई, जबकि आगरा से 10 मील पूर्व में सामूगढ़ नाम की जगह पर दारा ने खुद शाही सेना का नेतृत्व किया। सामूगढ़ की जंग में दारा औरंगजेब की सेना के सामने टिक नहीं पाया। बस मैं और आगे नहीं जा सकता, चाहे जो बनाए हो जाए। तो इस तरह औरंगजेब की ताकत बढ़ गई थी। दूसरी चीज, जंगों की बड़ी महारत थी, बड़ा तजर्बा था उसको, जबकि दारा शिकोह को भी तजर्बा था, जंगें उसने भी लड़ी हैं, जंगें जीती भी हैं उसने, लेकिन औरंगजेब के मुकाबले में वो कम पड़ जाता था। उतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी जंग की वो नहीं बना पाता था, इसलिए दारा शिकोह को उसमें शिकस्त हुई और शिकस्त खाकर उसको फरार होना पड़ा। सामूगढ़ की लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई ने धार्मिक कट्टरता को छोड़कर सभी धर्मों को एक मानकर राज करने की अकबर की नीति को खत्म किया। साहित्य, कला और विज्ञान के पुनरुत्थान को खत्म किया। बहरहाल इस लड़ाई में हार से हताश दारा शुकोह भाग्य के भरोसे भागता रहा। सवाल था कब तक। सामूगढ़ की हार के बाद दारा कई दिनों तक औरंगजेब की नजरों से छिपता और भागता रहा। आगरा के किले पर कुछ दिनों की घेराबंदी के बाद औरंगजेब का कब्जा हो गया। शाहजहां को नजरबंद कर लिया गया और औरंगजेब ने खुद की ताजपोशी करवाई। उस रोज औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि के साथ दिल्ली के लाल किले में अपना राज्याभिषेक किया। औरंगजेब देश का वास्तविक शासक बन चुका था। दूसरी तरफ दारा भागता भागता अफगानिस्तान पहुंचा, जहां उसे और उसके बेटे सिपहर शुकोह की मलिक जीवन नाम के व्यक्ति ने पहले तो आवभगत की, फिर उन्हें पकड़ लिया। एहसान फरामोश, कमबख्त, खत्म कर दे, जो तूने किया है उसे पूरा कर, लेकिन याद रखना मेरा गुनाह सिर्फ तेरी जान बचाना था। मलिक जीवन कहां मानने वाला था। भारत के भाग्य के चमकते सितारे को उस गद्दार ने औरंगजेब को सौंप दिया। उस काफिर के पैरों में बेड़ियां डाल, उसे एक गंदे कपड़े पहनाओ, उसे एक मरियल से हाथी पे बैठाकर पूरी दिल्ली में घुमाओ। इस दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि इस सल्तनत का बादशाह कौन है। और ऐसा ही हुआ। दारा को फटेहाल हाथी पर बिठाकर जब दिल्ली में घुमाया गया, तब बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए। दारा की हालत देखकर कोई फूट फूट कर रो रहा था, तो कोई उसकी मदद के लिए चीख रहा था। कुछ लोग गुस्से में आकर औरंगजेब के सैनिकों पर पत्थर और अंडे फेंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि दारा मुगल शहजादा नहीं बल्कि उनके घर का एक सदस्य हो। रास्ते में एक भिखारी ने दारा से खैरात मांगी तो दारा ने अपनी चादर उतारकर उसे दी। दारा किसी नायक की तरह दिख रहा था। औरंगजेब को जब ये खबर लगी तो वो छल्ला उठा। दारा के साथ लोगों का समर्थन देखकर वो परेशान हो गया। उसने दारा की सजा को लेकर दरबार बुलाया, जहां दारा पर यह आरोप लगा कि वो काफिर है। आलमपना, आपके हुक्म के मुताबिक हमने शहजादे दारा शुकोह
और उनके छोटे बेटे सिपीहर सुको को ख्वासपुरा में नजरबंद कर रखा है। जनाब दानिशमंद खान, दारा शुकोह के साथ क्या किया? उसे ग्वालियर के किले में कैद रखा जाए या फिर सजाए मौत दी जाए? आलम पनाह, दारा शुकोह को ग्वालियर के किले में कैद करने में कोई हर्ज नहीं। नहीं आलम पनाह, शहजादे दारा शुकोह को जिंदा रखना मुनासिब नहीं होगा। दिल्ली में बहुत लोग हैं जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, उन्हें मुगल सल्तनत का बादशाह समझते हैं। आलम पनाह, शहजादे दारा शुकोह आपके गुनहगार हैं, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कल को कोई ये कहे कि हमने जानबूझकर दारा शुकोह का कत्ल करवाया है, इसलिए उलेमा हजरात का मशवरा जरूरी है। तो जनाब पेशे इमाम, शरीयत के मुताबिक आपकी क्या सलाह है? आलम पनाह, शहजादे दारा शुकोह आपके गुनाहगार ही नहीं, वो काफिर भी है। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है। उन्होंने बादशाह शाहजहां से कहकर कुंभ के मेले में हिंदुओं से लिए जाने वाले कर में छूट दिलवाई थी, और शहजादे ने अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है, जो कि इस्लाम की तौहीन है। शहजादे ने हिंदू मंदिरों को अतिया दिया है, उन्होंने कई मंदिरों की मरम्मत करवाई और नए मंदिर भी बनवाए हैं। इन बातों से साबित होता है कि शहजादे बुत परस्त भी हैं। धारा ने तो अपनी अंगूठी पर काफिरों का प्रभु शब्द लिखवाया है, और तो और धारा तो कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। आलम पनाह, शहजादे अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। मैं तो कहूंगा कि शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत देने में कोई हर्ज नहीं। काफिर दारा शुकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित होते हैं। हम शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम हो। दारा शुकोह को पता था कि इस लड़ाई के अंत तक या तो तख्त मिलना था या ताबूत। उसने औरंगजेब से जान बख्शने की गुहार लगाई। मेरे भाई और बादशाह, मुझे सल्तनत की ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सल्तनत तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए बरकत वाला हो। मुझे मौत के घाट उतारने का इरादा गैर जरूरी है। अगर मुझे रहने के लिए एक जगह और मेरी तिमारदारी के लिए मेरी कनीजों में से कोई भी एक दे दी जाती है तो मैं सुकून से अपने घर के किसी कोने में आपके लिए दुआ करूंगा। औरंगजेब की कैद में दारा और उसके बेटे सिपीहर शुकोह को यह पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दारा को शक था कि औरंगजेब के सैनिक उसे जहर देकर मार सकते हैं, इसलिए कैद में वो खुद खाना बना रहा था। लकड़ियां गीली हैं, वरना इतनी देर में तो मसूर की दाल पक जाती। चलो तुम यहां क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहां पर? मैं पूछा क्यों आए हो यहां? बताओ हमें क्यों आए हो यहां पर? सदैव बोलो, पूछते क्यों आए हो यहां पर? कैदियों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। चलो हमारे साथ। चलो नहीं जाएंगे क्या तुम? क्या
क्या तुम हमारा कत्ल करने के इरादे से आए? ये हम नहीं जानते हैं। हमें हुक्म मिला है कि आपको आपके बेटे से अलग कर दिया जाए। जाकर कह दो औरंगजेब से हमें हिंदुस्तान के ताजो तक में कोई कोई सरोकार नहीं है। चलो हमारे साथ दारा, कुछ नहीं चाहते। हमें कुछ नहीं चाहिए, जाकर कह दो औरंगजेब से। जनाब हम यहाँ आपकी खबर पहुँचाने नहीं आए हैं, बादशाह का हुक्म बजाने आए हैं। अपने शहजादे को हमारे हवाले कर दो। चलो वही नजर बेग, चलो हमारे साथ, पकड़ो इसे। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नजर बेग, नजर बेग, चलो चलो हमारे साथ। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। छोड़िए हमें, छोड़ दीजिए हमें, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद दारा शुकोह का सर कलम कर दिया गया। औरंगजेब के आदेश से कटे सिर को धोकर थाली में सजाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया, ताकि उसे दारा की मौत की तसल्ली हो जाए। हमने इस काफिर का चेहरा तब भी नहीं देखा था जब ये जिंदा था। औरंगजेब यही नहीं रुका, उसने भारतवर्ष के दर्शन और सोच को पूरी दुनिया में प्रचारित करने वाले अपने भाई की लाश को दोबारा दिल्ली में घुमाया, ताकि किसी को कोई शक ना हो। दारा शुकोह मरा उससे पहले उसने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया। सुलह कुल की अकबर की नीति को वो आध्यात्मिक स्तर तक ले गया। धर्मों में भेद नहीं है, ये बात वो अपने आखिरी समय तक कहता रहा। दारा शुकोह के विचार नहीं हारे। दारा शुकोह का महत्व उनकी एब्सेंस की वजह से है, एब्सेंस की वजह से, इस लिहाज से कि वो बादशाह नहीं बने भारत के शाहजहां के बाद, इसलिए ये सब सोचा जाता है, विचार किया जाता है कि वो अगर बादशाह बनते तो कैसे बादशाह होते और भारत का इतिहास कैसा होता। दारा युद्ध में हार गया। हो सकता है कि हुकूमत चलाने की पेचीदगियों की परवाह उसे नहीं थी, लेकिन वो इन सब से बहुत आगे की सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि दो अलग अलग मजहबों को साथ लेकर कैसे देश को मजबूत किया जा सकता है। दूसरी तरफ औरंगजेब की नजर सत्ता पर थी, जो लगभग 49 साल तक चली। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत की शुरुआत अपने भाई और पिता के खिलाफ बोल कर की। हिंदुस्तान में इस्लाम मजहब को दबाया जाता, अगर मेरा भाई तारा इस गद्दी पर बैठता और सल्तनत की बर्बादी तय थी, अगर मेरे वालिद इस गद्दी पर रहते, क्योंकि उनकी हुकूमत गर्त में थी। औरंगजेब का शासनकाल कट्टर धार्मिक नीति और दक्षिण के सैनिक अभियान के लिए जाना जाता है। वो दक्षिण भारत में सल्तनत के विस्तार के लिए लंबे समय तक उलझा रहा। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार भी किए, लेकिन इस कोशिश में मुगल सल्तनत और कमजोर हो गई। औरंगजेब ने हिंदू शासकों के विद्रोह को दबाने के लिए हिंदुओं के प्रति दमन की नीति अपनाई। हिंदुओं पर लगाया जाने वाला जजिया फिर से शुरू कर दिया गया। उसने मुसलमान व्यापारियों को चुंगी देने से मुक्त कर दिया, जबकि हिंदू व्यापारी चुंगी देते रहे। औरंगजेब ने राजस्व विभाग के नीचे के पदों से भी हिंदुओं को हटाकर उनके स्थान पर मुसलमानों को भर्ती करना शुरू किया। हिंदू त्योहारों और पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगा दिए। औरंगजेब ने बड़ी संख्या में मंदिर भी तोड़वा दिए। यही नहीं, उसने नौरोज का उत्सव भी समाप्त करा दिया,
जो पारसियों के त्योहारों पर आधारित था। दूसरी ओर औरंगजेब ने कट्टर मुस्लिमों को संगठित करने के लिए मुसलमानों के नैतिक आचरण की निगरानी और शरीयत के पालन पर जोर दिया। औरंगजेब ने मुगल बादशाहों की कई परंपरा को खत्म कर दिया। उसने दरबारी संगीतकारों और इतिहासकारों को हटा दिया। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और असहनशीलता की राजनीति ने दो धर्मों के बीच ऐसी खाई खोद दी जिसे लंबे समय तक पाटा नहीं जा सका। 49 साल की हुकूमत से हमारी दुनिया बहुत आबाद हुई हो ऐसा नहीं है, जबकि दारा शुकोह को असमय खोने की डीस इतिहास के पन्नों में आज भी महसूस होती है। उसके विचार कहीं ना कहीं हमारे विचार हैं, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि अब किसी भी दारा शुकोह को हारने ना दिया जाए, खामोश ना होने दिया जाए, क्योंकि उस हार और उस खामोशी का खामियाजा बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ता है। भारतवर्ष में इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ।